Yes, good morning, beta. Let's continue with the revision of surface area and volume exercise 13.2. Question number one, we are starting with. I think this exercise is related to cylinder. So, curved surface area is 2 pi RH. Total surface area is 2 pi R H plus R. And volume is pi R square H. That is area of the base into height. Question की statement होगी। हमने diameter को अंदर इस 80 को चेंज किया है, average depth is 120 centimeter. Curved surface. हाँ, ऐसे roll करेगा ना? Side वाला portion तो use नहीं हो रहा। फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ कर्व सरफेस आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है 500 से। सीएसए यूनिट चेक कर लो, सीएसए फाइंड करके उसको आ जाओ। अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन that is 2 pi RH. Thank you.
एच की वैल्यू पता लेंथ बाय बाय एच है आपने रेडियस का फाइंड किया आपने रेडियस लेंथ का हाफ कर दिया रेडियस डायमीटर का हाफ कर दो रेडियस आ गया 42 7
जो मैंने आपको सिलेबस फॉरवर्ड किया है ना उस पे लिखा है ना मोटिवेट वो वाली थ्योरम करनी पहले एक वीडियो भेजी थी ना आपको मैं देख लूंगी मुझे याद करवाना मैं दोबारा से सेंड करूंगी जैसे सर्कल में से सिर्फ फर्स्ट थ्योरम करनी है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऐसी क्वाड्रिलेटरल में जो सिलेबस भेजूंगी जिसके साथ मोटिवेट लिखा हुआ है वो थ्योरम करनी है जिसके साथ लिखा हुआ है नहीं जिसके साथ मोटिवेट लिखा है वो नहीं कर रही है मतलब उसके सिर्फ रिजल्ट कर रही है एक थ्योरम के साथ कुछ और लिखा होगा वो प्रूफ है एक एक ही है शायद थ्योरम बस No.
क्लीन आ रहा है। देखो मैंने किया अरे गॉट निकाला हुआ है गॉट के साथ एरिया ऑफ टॉप और बॉटम आउटर माइनस इनर 68 और 69 ऐसे क्यों बन रहा है यही तो बताओ मैं मेरा पूरा कैप्चर निकला तेरा देखो क्या सही हो रहा था ये तेरा कैप्चर ये फोन बंद हो गया मेरे ख्याल से वो 5.5 ही है 5.5 टू 12.50 हां तो 68.750 ही आ रहा है ये नाइन मैटर में गया अपनी चीजें भी अपनी भी इसने सही है मल्टी में कोई नहीं ना चलो क्या हुआ इनर का आंसर आ गया आउटर का आ गया डबल ही हो डबल हो ये ऊपर सर्कल है नीचे सर्कल है ऐसे है ना ऐसे है डबल ही होगा तो आएगा सर
टोटल वो कितना मटेरियल वेस्ट हुआ है, एक्स लेना है, एक्स में से 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया है, 1/12 है कि 1/11 है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट में इसका सीएसए निकाल ये क्या हैंगर है इसको कार में ये क्या कर रहा है पहले फर्स्ट पार्ट में सीएसए निकालना है क्वेश्चन में कहा होगा उसके बाद कहता है जितना टोटल मटेरियल है जब आप टोटल मटेरियल आते हैं शीट की फॉर्म में होगा उसमें से जितना रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको उसको कट कर लेना जो बाकी चीजें हैं तो साइड पे कटिंग्स होती है वो वेस्ट हो जाती है ना तो आपने टोटल मटेरियल को एक्स सपोज कर लेना है जितना यूज हुआ वो क्या है उसका टीएसए जो क्लोज टैंक बनाने में मटेरियल यूज हुआ वो क्या है टीएसए पहले टैंक का टीएसए निकाल लेना फिर एक्स जो मटेरियल था उसमें से 1/12 ऑफ द टीएसए माइनस कर देना रिमेनिंग आ जाएगा जितना वेस्ट हुआ पहले सीएसए निकालो फिर टीएसए फाइंड करो करो पहले इतना टोटल मटेरियल जो था ना उसको आप एक्स ले लो उसमें से इसका 1/12 वेस्ट हो गया टोटल शीट जो थी वो क्या थी एक्स एक्स में से आपने टैंक बनाने के लिए सपोज ऐसे मटेरियल यूज कर लिया ठीक है ये मटेरियल जो बच गया ये क्या है 1/12 ऑफ एक्स जो रिमेनिंग है जो वेस्ट जा रहा है ये 1/12 ऑफ एक्स है तो टोटल में से 1/12 जो वेस्टेज है उसको माइनस कर दो इक्वल टू क्या आ जाएगा जितना टीएसए आ रहा है वो टीएसए मतलब मटेरियल यूज इन मेकिंग द क्लोज्ड टैंक तो इसके इक्वल आ गया यहाँ से एक्स आ गया ये मटेरियल परचेज किया कितना था वो बता वही बताना है ना टोटल मटेरियल लिया कितना
ये चेक करो इधर कि ठीक है, रियांशी का चेक करो इधर। ऊपर से ओपन होते हैं कौन सा लैम्पशेड वाला क्वेश्चन है। टॉप सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द, वैसे ओपन होता है दोनों तरफ से,